हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक मैं फिर से नया अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आया हूं। और आज का जो लैपटॉप लेके आया हूं वो आसूस का लैपटॉप है। आसूस का लैपटॉप और वो भी राइजन 5 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर लेके आया हूं। बहुत से लोगों का जो है कमेंट आ रहा था, उनको राइजन 5 में फिर से कोई अनबॉक्सिंग का वीडियो। इसे मैंने राइजन 5 में डेल का वीडियो डाला हुआ था और HP का डाला हुआ था 5500U। लेकिन और भी कुछ डिमांड, मतलब कमेंट आ रहे थे कि कुछ और भी मॉडल है क्या। आज मैं जो लैपटॉप लेके आया हूँ ये आसूस का लैपटॉप लेके आया हूँ। राइजन 5500U लैपटॉप है और इसमें आपको रैम कितना है, हार्ड डिस्क है या SSD है, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। कलर वगैरह कैसा है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगा। और इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूँगा इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो और क्या क्या नहीं। वैसे दोस्तों, सारे वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप उस जो लैपटॉप को अनबॉक्सिंग में करता हूँ उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोगों का कमेंट आते रहता है, लेकिन मैं रिप्लाई सब का देता हूँ। आप जाके एक बार देखेंगे तो कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जो छूटा हो, भाई मुश्किलन कोई भी छूटा रहेगा, लेकिन मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका भी कुछ क्वेरीज है, आप अगर नया लैपटॉप लेने जा रहे हो, आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का इशू आ रहा है, आपका कुछ भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये लैपटॉप का अनबॉक्सिंग का वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं ढेर सारे चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। तो चलिए अनबॉक्सिंग का वीडियो शुरू करते हैं लेनोवो लैपटॉप का। तो गाइस, ये रहा वो आसूस का राइजन 5 का लैपटॉप जिसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसकी यहाँ पे देखिए MRP वगैरह लिखी है, 66,990 MRP लिखी है और ये 2021 का ही बॉक्सिंग डेट है मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो मॉडल है ये काफ़ी बढ़िया मॉडल है, इसके बारे में मैंने सुना हुआ था तो मैं बोला इसको लेना है और इसका अनबॉक्सिंग करके वीडियो बनाना है। यहाँ पे देखिए स्टिकर दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, राइजन 5 5500U विदाउट HDD 512 GB SSD है, SSD PCIe G3 लगा हुआ है, 4 GB प्लस 4 GB रैम है, USB 2.0 3. भी है इसमें। और इसमें बैटरी वगैरह MS Office विंडोज 10 है होम। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है तो काफ़ी बढ़िया है और लोगों को ज़्यादातर यही रहता है कि उनको 5500 वाला लैपटॉप का अनबॉक्सिंग देखना है, किस तरह से इसका चल रहा है, क्या है सब चीज़। तो आज इसका भी मैं अनबॉक्सिंग करके आपको सब पूरा डिटेल दिखा देता हूँ। तो इसका यहाँ पे आपको लुक दिखा देता हूँ। लैपटॉप काफ़ी बढ़िया आता है राइजन 5 का। उसमें आपको कैसा बेनिफिट रहता है कि कम प्राइस में आपको ग्राफिक मिल जाता है रेडॉन का, और इसके प्राइस भी i5 से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम रहते हैं। तो यह ये रहा इसका चार्जर, आसूस का अडाप्टर इसका ज़्यादातर इसी तरह से आता है। और अगर सस्ते वाले लैपटॉप आते हैं ना, जैसे बेसिक लैपटॉप एंट्री लेवल के, तो उसमें क्या रहता है, ओनली अडाप्टर ही रहता है, उसमें पावर केबल इसमें अलग से कनेक्ट करने का है, उसमें वो भी नहीं रहता है। लुक देखिए दिख रहा है, सिल्वर कलर का लुक है, लुक काफ़ी बढ़िया है। और इसके बाद में मैं दोस्तों आप लोगों को वीवो बुक का भी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। मैंने जो ऑर्डर कर दिया है जल्दी से जल्दी मेरे पास आएगा। और यहाँ ये रहा CPU फ़ैन जो कि इसका हीट सिंक बाहर होने के लिए रहता है। यहाँ पे इसका स्पीकर है, यहाँ पे भी देखिए हीट सिंक CPU फैन का जो होता है बाहर देने के लिए है, इसीलिए इसका नज़दीक में रहता है, बैक साइड में भी दिया हुआ है। इसीलिए ज़्यादातर मैं कहते रहता हूँ कि आप लैपटॉप वगैरह टेबल पे, स्टूल वगैरह पे रख के आप यूज़ कीजिए। बहुत से लोग बेड या तकिए पे रख के यूज़ करते हैं, तो उस पर आप इस तरह से ना रखें। उस पर आप कोई ऐसा स्टूल के जैसा कोई लकड़ा वगैरह का अगर है तो आप उसको नीचे रख लीजिए, क्योंकि इसके जो हीट सिंक वगैरह होते हैं वो नीचे से राइट साइड से बाहर आते हैं, जो कि अगर वो नीचे अंदर धंस जाएगा तो लैपटॉप आपका जल्दी हीट होगा, हैंगिंग का इशू स्टार्ट होने लगेगा। ये रहा इसका कीबोर्ड, सिल्वर कलर का फ्रंट का भी पूरा का पूरा है, फिंगरप्रिंट है। मैं जैसे पहले भी बताया हूँ आसूस के लगभग सारे लैपटॉप में फिंगरप्रिंट आते ही हैं। तो यहाँ पे पोर्ट की देखेंगे तो एक जो है टाइप सी है, एक पावर का है, एक HDMI है, एक USB पोर्ट जो है ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। लुक देखिए काफ़ी बढ़िया लुक है इसका। और राइट साइड का पोर्ट की बात करेंगे तो 2 USB दिया हुआ है, एक ऑडियो जैक दिया हुआ है। ये राइट साइड का पोर्ट हो गया, यानी कि इसमें 3 USB है, एक HDMI है, ऑडियो जैक है, पावर का है, टाइप सी है। और लुक काफ़ी बढ़िया लगता है आसूस का। इसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा स्ट्रांग आती है, कोई कोई लैपटॉप की बॉडी जो होती है अदर्स ब्रांड की बात करेंगे तो प्लास्टिक की बॉडी आती है जो कि बहुत हीटिंग को उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है,
राइजन 5 का प्रोसेसर है मैंने आपको दिखाया। आसूस लैपटॉप यहाँ पे देखिए कुछ इनका रहता है ग्राफिक वगैरह का और पोर्ट वगैरह बैटरी बैकअप वगैरह का। तो ये लैपटॉप जो है राइजन 5 का 5500U है। इसमें जो है आप हैवी ग्राफिक वगैरह का जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, गेमिंग वगैरह आप नहीं कर सकते हो। कीबोर्ड की क्वालिटी भी देखिए काफ़ी बढ़िया है, कीबोर्ड भी ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रहा है लेकिन बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, कीबोर्ड की क्वालिटी भी अच्छा है। इसमें है यूज़ की मैं बात कर रहा था कि इसमें आप जो है कोरल ड्रॉ ऑटो कैड 3D मैक्स वगैरह ये सब अगर आपको यूज़ करना है, कोडिंग वीडियो एडिटिंग और ये सब आप इसमें एकदम आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है और इसकी बैटरी बैकअप जो है वो आपको 3 से 5 घंटे की मिलती है मल्टीटास्किंग में। और इसमें जो है आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट वगैरह से आप इसमें इंटरनेट चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया आप ये सब इसमें यूज़ कर सकते हो। आप ऑफिस यूज़ के लिए कोडिंग वीडियो एडिटिंग के लिए आप ले सकते हो, आपका एडिटिंग वगैरह भी है अगर ग्राफिक यूज जैसे कोरल ऑटोकैड फोटोशॉप ये सब भी आप उसके लिए भी आप इसको बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें SSD का सपोर्ट आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ये फास्ट चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 256GB SSD है। इसमें आपको मैं कोर और थ्रेड दिखा देता हूँ क्योंकि राइजन 5 में ज़्यादातर फेमस कोर और थ्रेड ही रहते हैं, क्योंकि कोर और थ्रेड ज़्यादा रहने से लैपटॉप ज़्यादा फास्ट चलता है। इस तरह से जैसे कि अगर आपके एक घर में अगर 10 लोग हैं एक दरवाज़ा रहेगा तो उसमें से वो जल्दी नहीं निकल पाएंगे, अगर उसमें 4 से 5 दरवाजे दे दें तो आप वो लोग फटाफट बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से प्रोसेसर का जो कोर होता है वो वर्क करता है। यहाँ पे देखिए 6 कोर दिया हुआ है और 8L3 Cache 8 है, थ्रेड जो है वो 12 है, बहुत ही बढ़िया है, 6 कोर 12 थ्रेड है। तो लैपटॉप का इसी से ज़्यादा इसका जो है नाम रहता है राइजन 5 का, क्योंकि एक वेगा का ग्राफिक भी मिल जाता है और इसमें थ्रेड कोर वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। इसमें 8GB RAM है, दोनों स्लॉट यूज़ किया हुआ है, दोनों स्लॉट में 4GB प्लस 4GB है, वो स्टार्टिंग में ही दिख गया था। SSD लगा हुआ है लैपटॉप का, इसमें वेगा रेडॉन का ग्राफिक भी मिल जाता है। तो सब कुछ मिला के एकदम बढ़िया है। इसकी जो मार्केट में जो प्राइस आ रही है इसका जो है 53 से 54 तक में इसका जो प्राइस आ रही है आप बाय कर सकते हो इजीली। ऑनलाइन वगैरह में ऑफ़र चलते रहते हैं, आप कंपेयर कर लीजिए 2-3 जगह से प्राइस निकाल के आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि 1-2 जगह से अगर आप प्राइस निकालेंगे तो आपको बढ़िया प्राइस मिल जाती है। तो इसका सब मिला के बढ़िया है, ग्राफिक वगैरह अच्छा है, इसमें आपको यूज़ भी मैंने बता दिया, प्राइस भी 53 से 54 तक में आ जाता है। तो अगर आपको बाय करना है इसका लिंक वगैरह मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाय कर सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। मैं अनबॉक्सिंग के वीडियो सॉफ्टवेयर वगैरह के वीडियो लेके आते रहता हूँ, उसका बेनिफिट आपको मिले। अगर आपको कोई वीडियो हमारा जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह या अनबॉक्सिंग का दूसरे लैपटॉप का देखना है तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको कुछ लग रहा है चेंजेस करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको करूँगा ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।